यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में मंगलवार को एक अवैध निर्माण को तोड़ने गई महिला अधिकारी की होटल मालिकों द्वारा गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है और इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान दिया है और इस पर नाराजगी भी जताई है। राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि वो इस तरह की हिमाकत को बर्दाश्त नहीं करेगा और कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से पूरी रिपोर्ट भी मांगी है और अदालत गुरुवार को मामले की सुनवाई करेगी। कोर्ट ने पूरे मामले पर बुधवार को स्वयं संज्ञान लेते हुए कहा कि लोग अगर इस तरह मारे जाते रहे तो वो आदेश पारित नहीं कर सकता। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि वो इस तरह की गंभीर घटना को अनदेखा नहीं कर सकता है। कोर्ट ने अफसर को सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवाने पर राज्य सरकार को फटकार भी लगाई है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक अवैध ढांचे को तोड़ने गई महिला अधिकारी शैल बाला की होटल मालिक ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और घटना के बाद आरोपी हथियार के साथ जंगल में भाग गया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अनिल मौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, छोटा राजन को आज दोषी करार दिया गया है। अनिल, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, अपना सवाल दोहराएंगे। तो आज जो छोटा राजन है उसे दोषी करार दिया गया है मकोका कोर्ट में। क्या बैंक पेश आएंगे? गुलाम देख रहे हैं यहाँ पर ऐसी।